पी चाय वाला के बाद बीटेक चाय वाली, बीटेक पानी बोरी वाली, पीएचडी चाय वाली जैसे कई बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। मानो डिग्री छोड़कर ठेला लगाने का इंडिया में ट्रेंड सा आ गया है। लेकिन इसमें भी दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो कहते हैं कि ये लोग सिर्फ यूथ को पढ़ाई से भटका रहे हैं और ना फ्रेंचाइज सेल कर रहे हैं जो कि कम्प्लीटली लॉस में है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चाय बेच के कोई इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो आखिर सच क्या है? क्या ये लोग सच में इतना पैसा कमाते, इतना एमबीए चाय वाला प्रफुल क्लेम करता है? सो हाल ही में एमबीए चाय वाला के सारे फ्रेंचाइज ओनर ने प्रफुल बिल्डर को एक फ्रॉड बताया है, और ये बताया कि फ्रेंचाइज लेते वक्त उसने सभी को 10,000 पर डे के बिजनेस का एक सपना दिखाया, और आज उनका मुश्किल से 600 रुपए का गल्ला भी नहीं हो रहा है। पूरे देश से एमबीए चाय वाला के खिलाफ ऐसे 28 मामले सामने आए हैं। इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-30 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि 35 लाख रुपए लेने के बाद भी फ्रेंचाइज के अंदर प्रॉफिट तो छोड़ो, डेली के ऑपरेशनल कॉस्ट का खर्चा ही पूरे 50,000 से 60,000 रुपए महीने का बैठता है। और यहाँ तक कि कॉन्स्टेंटली कंप्लीट करने के बाद भी प्रफुल ने उनसे बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर उनके आउटलेट नहीं चल रहे हैं तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। प्रफुल के फ्रेंचाइज का इकोनॉमिक मॉडल ही कई लोगों को फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही किया जाता है जो कि 70 लाख से 40 लाख के बीच की है। और यहाँ प्रफुल बिल्डर का खुद का कहना है कि इन्होंने अपने फादर से कोर्स के लिए झूठ बोलकर 15,000 रुपए लिए और उसी पैसे से चाय की दुकान खोली। इसका मतलब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 15,000 रुपए में चाय की दुकान डाली जा सकती है, तो ये 35 लाख का क्या लॉजिक बनता है? चलो चलो जरा बात करते हैं उन लोगों की जो इनसे अलग स्ट्रीट पे अपने ठेले चलाते हैं। दरअसल बिजनेस इंसाइडर की इस रिपोर्ट के हिसाब से 45% स्ट्रीट फूड वेंडर्स महीने के कम से कम 1 लाख रुपए तक कमाते। इस आर्टिकल ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि मुंबई और दिल्ली के कई वेंडर्स 50 करोड़ तक की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर चुके हैं अपने इनकम टैक्स के। हाँ, पहले तो सुनकर हम भी शॉक में रह गए थे, लेकिन हाँ यार, दिस इज ट्रू। लेकिन फिर क्यों लोग इन लोगों के पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते? और एमबी चाय वाला में ऐसा क्या है कि उसने सिर्फ और सिर्फ 5 साल में अपने 200 आउटलेट बेच दिए हैं? आखिर क्यों लोग इसमें 35 लाख से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं? रीजन बहुत सिंपल है, प्रफुल की स्टोरी। एक्चुअली प्रफुल लोगों को फ्रेंचाइज नहीं बेच रहा, उन्हें एक नया ड्रीम बेच रहा है, और मैक्सिमम लोग उसे उसकी स्टोरी की वजह से ही जानते हैं। वो उससे इतने ज्यादा रिलेट और इंस्पायर हो चुके हैं कि वह लोग भी उसकी तरह बनना चाहते हैं। और प्रफुल ने अपनी स्टोरी में बताया है कि उसने स्क्रैच से शुरू किया है और बहुत मेहनत करी है, और आज सिर्फ चाय बेचकर ही वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन चुका है। और फिर वो लेके आता है अपनी फ्रेंचाइज, जहाँ पे आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, स्क्रैच से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस उसके साथ जुड़ना है, उसे पैसे देने हैं, और आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे। और क्योंकि फ्रेंचाइज एक आसान तरीका लगता है, और इसी वजह से लोग उसे अपने पैसे दे देते हैं और उसकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं। और साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे इंस्पायर होकर कुछ अलग करते हैं और अपने नए ठेले लगाते हैं, चाहे वो बीटेक पानी पूरी वाली हो या फिर बीटेक चाय वाली। लेकिन इस वीडियो में हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइज फ्रॉड है या नहीं, आपको ठेले लगाने चाहिए या फिर नहीं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको कभी भी किसी ट्रेंड के अंदर ब्लाइंडली एंटर नहीं करना चाहिए, पहले चेक कर लेना चाहिए कि ये ट्रेंड लॉजिकल है भी या नहीं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।